मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वे गर्व से कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। लेकिन 5 महीने पहले औरंगाबाद में घटित हुई एक घटना, उस पर पुलिस की कार्रवाई और पीड़ितों के बयान को सुनने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ये दावे खोखले हैं। दरअसल 5 फरवरी 2023 यानी अब से लगभग 6 महीने पहले औरंगाबाद जिले के फेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसडीहा कला गांव में एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। युवक की लाश गांव के ही एक आम के पेड़ पर फांसी के फंदे में लटकी हुई होती है। घर वालों को खबर मिलती है, घर वाले आनंद फानंद में जाते हैं, उस बॉडी को वहां से उतारा जाता है और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मृत युवक श्रवण के पिताजी, जो पिछले 6 महीने से न्याय की गुहार लगाए लिए आला अधिकारियों के चौखट पर माथा रगड़ रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। थाना एसपी, आईजी, डीजीपी और अब मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन्होंने गुहार लगाई है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण के पिताजी अनिरुद्ध शर्मा। शर्मा जी, क्या कुछ हुआ था, क्या घटना है ये पूरी? ये घटना सर 5/2/2023 को हुआ था। सुबह करीब 7 बजे हमारे दरवाजा पर एक आदमी कहा कि आपका लड़का को मुड़ी में रस्सा टांग करके बांध के नीचे लटकावल है। तो हम आनंद फानंद में लोग गांव को जुटा, हम भी पहुंचे तो लोग वहां पर उसको उतार दिया नीचे, तो देखा कि मृत पाया गया। उसके बाद हमने फेसर थाना में जा करके सारा सूचना दिया। बड़ा बाबू आए आन करके छोटा लाश को देख जा करके और पोस्टमार्टम के लिए ले गया। पोस्टमार्टम होने लगा तो पोस्टमार्टम के बाद हमको छुट्टी दिया गया, लाश को आप ले जाइए। उसके बाद विधायक या कोई नेता लोग फ़ोन किए, डीएसपी मैडम सुपरविजन वही की थी और उसी के यहाँ छुट्टी में थी। आप कोई 5/2 का घटना है, दूसरे कोई स्टाफ थे वही एस डीएसपी थे, वो आन करके लाश को कहें कि दोबारा से पोस्टमार्टम करो। हमको बहस भी हुआ, जब एक बार हो गया हम लेके जा रहे हैं तो कहा रोक दिया आप, तो नहीं दोबारा किया जाएगा। डॉक्टर को फ़ोन किए, डॉक्टर से भी उनको बहस हुआ, लेकिन अब भाई बड़े पदाधिकारी थे, डॉक्टर बेचारे डर गए, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद हम लाश को ले गए। 5 तारीख घटना है, 6 को हमने फिर सुबह शाम हो गया 5 को 6 को हमने FIR किया जाकर थाना में। हमको 6 महीना सर होने जा रहा है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं मिला। SP, DSP, IG, DIG, DGP सगरू घूम गए, कहीं से कोई नहीं। लोग लोकल नेता को कर भी करवा दे रहा है, जिसके चलते लोग एकदम बाध्य हो गया है। SP, DSP कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम लाचार होकर के आप लोग के पास आए हैं कि हमारे दूसरी बात है, बार बार जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। बेटा को भी ऐसा किया गया, पूर्व में 2 बार भी मार चुका था, उसी केस का ये लोग आन के कह रहा था कि 16 कीजिए। इससे पहले जो घटना हुई थी वो क्या थी घटना? इससे पहले भी जैसा कि हमें पता चला, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जी, जी। क्या था ये पूरा मामला? जैसे गांव के लड़के लोग खेल रहा था क्रिकेट, उसी में गांव के एक दबंग आदमी था। कब? करीब 2016 के, उसका केस नंबर 3216 है। 16 में हम थाना पर जाकर केस किया। बड़ा बाबू कहें किसी एक काम कीजिए, एक जगह रहना है मिला जुला के, हम ठीक है 16 कर लेंगे भाई। फिर गांव पर बुलाया, फिर गाली गलौज कर दिया, तो दोबारा फिर गया तो बड़ा बाबू कहें कि भाई लोग दबंग आदमी है, हम तो केस नहीं लेंगे, आप हॉस्पिटल में इलाज करा के हमें केस कीजिए। 2016 में हॉस्पिटल में इलाज करके सदर में हमने उसको केस किया,
उसके बाद सर हम छोड़ दिया कि हमको लड़कन फिर पढ़ाना है, केस हो गया, अब उसके पीछे क्या लगना है। फिर 2019 में सर मार के इसको रोड पर बिक दिया। हमको छोटा फ़ोन किए रात के, हमारा मोबाइल साइलेंट में था, थोड़ा देर के बाद उठे तो देख रहे हैं कि मिस कॉल है, तो हम फोन किए छोटा बाबू, कहें कि आपका बेटा के मार के बिगल था रोड पर, हम लोग सदर हॉस्पिटल में ले आए हैं, आप जल्दी आइए। वहाँ गए तो देखे कि लड़का हमारा एकदम बेहोश है। सवेरे 8 बजे इंतजार किए, डॉक्टर से कहें कि ऐसा इसको इलाज कैसे कर रहे हैं, कहें कि हमारे बस की बात नहीं है, हमको नहीं है तो हमको ट्रांसफ़र कीजिए। तो कहें कि ना PMCH में करेंगे तो मेडिकल में करेंगे। हम कहा कि सर इसको प्राइवेट में जान नहीं बचेगा, हम जमुहार ले जाते हैं। तो बड़ी लोग बहस हुआ, उसके बाद जमुहार नारायण हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए तो सर मेरा लड़का बचा। उसके बाद हमने फिर छोड़ दिया, केस के पीछे लगे नहीं। हमारा विकास सर करना था, 2 लड़का को बाहर इसको ही भेजना था, हम उसी में लग गए। अभी लोग सर बराबर लगा रहे हैं, गाँव के दबंग आदमी हमारा विकास देख करके लोग जल रहा है और हम इसके पीछे सर चले नहीं। तो हम यही केस को 16 के लिए हम कोई कांड के घटना के 2 दिन पहले दरवाज़ा पाया, बोला कि सर हमारा लड़का के जीवन खराब हो रहा है, 16 कर लो नहीं तो हम जान मार देंगे। हमारा लड़का सरवण कुमार भी था, वो थोड़ा सा रोए लगा कि ऐसा सा बोल रहा हम कि ठीक है 80 रहो, कहे दो लोग हम कि हम 16 नहीं करेंगे। जब तक लोग सही ढंग से नहीं रहेगा, बराबर धमकी दे रहे हो, फिर धमकी दे रहा है 16 नहीं करेंगे, और जट से उस तरह का दिन फिर कांड हो गया। ये जो धमकी मिली थी कि आप केस को 16 कीजिए, उसके कितने दिनों के बाद ये हत्या की वारदात में सरका दिन 2 दिन पहले की सर घटना है। 2 दिन पहले हमारा धमकी मिला, दूसरा दिन घटना हो गया, लेकिन सारा चीज़ हम बताएं। अच्छा, फिर हमारे साथ भी इसी सर हो रहा है, हमको ही बार बार धमकी मिल रहा है। हम 10 बार SP के यहाँ आवेदन दिए, DSP के यहाँ दिए, IG के यहाँ, DIG के यहाँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। जो सुपरविजन रिपोर्ट हमने देखी है, उस सुपरविजन रिपोर्ट में एक बात का जिक्र है कि लड़के को घटना के दिन कमर में रस्सी बांधे हुए और रोते हुए देखा गया है, क्या कहेंगे? उससे गलत है, जैसे गांव के उन लोग का आदमी था, हर गांव में 2-4 लोग रहते हैं, वो तो बयान उसी को देगा ना। मतलब केस जो है ये पूरा मामला, इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है। पूरा केसे खत्म करके चक्कर में है सर, तब ये पूरा पॉलिटिकल पैर भी इसमें हो रहा है। इसमें आपका आनंद शंकर स्थानीय विधायक है, W सिंह विधायक नबीनगर है, इन लोग के यहाँ पेटी प्रोजेक्ट पर मुदाले जो है टिकारी करता है, अब लोग पूरा इसको ईगो बना दिया, मैंने इन लोग के बढ़ने नहीं दे रहा। बार बार कहा भी मैडम SP DSP दोनों से कहा कि आप लोग कहीं पैरवी के चक्कर में पड़ गए हैं, दबाव में हैं आप, तो हमको बता नहीं रहे, समझे कि नहीं? हम रोज दौड़ रहे हैं, एक सब नहीं बोलती है, जब जाते हैं तब ठीक है जाइए। अब जबकि आप पिछले 5 महीने से देख रहे हैं केस में कोई भी गति नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी प्रगति नहीं हुआ है, केस जहां था बिल्कुल वहीं पर है। बिल्कुल, आपने वरीय पदाधिकारी IG DGP हर जगह आपने गुहार लगा करके देख ली है, आगे आपका स्टेप क्या होगा? मेरा स्टेप है मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमने ऑनलाइन किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी आपने भेजा है? ऑनलाइन कर दिया है कि हमको मिलने का समय दिया जाए, मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। प्रशासन में तो हम देख लिया, कोई हमको मदद नहीं कर रहा, हमारा हम तो कह दिए कि हम मर जाएंगे तभी हमको लाशी पोस्टमार्टम कराइएगा आप लोग। जब 20 बार आवेदन दिए, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हम रखे हुए हैं, समझे कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, तो हमारा भी लाश जाएगा तो फिर पोस्टमार्टम कराइएगा, ये तो व्यवस्था है। तो मुख्यमंत्री कहने बच गया, अब उन्हीं के जाएंगे हम, हमको समय दिया जाए, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि समय हमको दिया जाए। तो हमारे साथ थे श्रवण के पिताजी अनिरुद्ध शर्मा, जो सिस्टम के शिकार हुए पड़े हैं। 5 महीने पहले बेटे की हत्या हो जाती है कथित तौर पर, और उसके बाद न्याय की गुहार लगाए, ये हर जगह हर चौखट पर जाते हैं, हर आला अधिकारी के पास जाते हैं, और अब इनकी एक अर्जी मुख्यमंत्री के पास भी गई हुई है। इन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इनकी बातों पर गौर करेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे और इन्हें न्याय दिलाने में इनकी मदद करेंगे। और अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने जा रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता सुनील पाठक। आइए इनसे जानते हैं इस केस से जुड़े कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितयोग न्यूज में। सुनील जी, इस पूरे मामले को आप देख चुके हैं, आपने अध्ययन किया है, क्या कुछ लगता है इस मामले में? देखिए, ये मामला देखने से पेचीदा प्रतीत जरूर होता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष के ऊपर दूसरे पक्ष के द्वारा बार बार कंप्लेन किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है, उसके बाद भी पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे इस पर लगाम लग सके और अपराध को रोका जा सके। अंततः जो है एक
बालक की हत्या हो जा रही है अथवा वो किसी भी कारण से मर रहा है, लेकिन उसके निष्कर्ष पर आज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, ये खेद वाली बात है। क्योंकि 6 महीना बीत चुका है और 6 महीने बाद भी पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं आई कि बच्चे की हत्या हुई है या सुसाइड हुआ है या हत्या हुई है लेकिन किसी अन्य ने किया है, आज तक इसका कंक्लूजन पुलिस नहीं निकाल पाई है। ये पुलिस के लिए अच्छी बात नहीं है। 6 महीना समय इनफ होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक लिमिटेड समय में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए। रीजनेबल टाइम का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूर है, लेकिन ये रीजनेबल पीरियड क्या होगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जी। फिर भी इन्वेस्टिगेशन लूज है ऐसा समझ में आ रहा है। देखिए, जो पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि पुलिस जानबूझकर के मामले को लंबा खींच रही है ताकि इसको यहीं पर सेटल किया जा सके, यहीं पर खत्म किया जा सके, ऐसा आरोप है पीड़ित का। और पीड़ित के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो तो हर जगह फरियाद भी लगा चुका है। अब इसमें पीड़ित को आगे क्या करना चाहिए? देखिए, हर पीड़ित का एक अपना पक्ष होता है, एक अपना व्यू होता है, और वो अपने व्यू से ही चिपका रहता है आजीवन। ये अलग बात है कि उसका व्यू सही भी हो सकता है और कई दफे सही नहीं भी होता है जी। लेकिन वो अपने परसेप्शन से बंधा रहता है जी। पुलिस का काम है कि किसी भी घटने की सच्चाई को पूरी तरह से पकड़ के और सामने ले आए जी। तो संभव है कि जो बयान दिया गया है पीड़ित पक्ष के द्वारा वो सही भी हो जी, और कई दफे नहीं भी संभव है। लेकिन अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है कितने लंबे कंटिन्यू करता है, अगर लंबा चलता है तो निश्चित तौर पर ये परसेप्शन या ये आरोप जी इन्फॉर्मेंट के द्वारा सही है जी कि पुलिस जानबूझकर के लंबा खींच रही है ताकि मामले को सेटल करके और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करके और केस को खत्म किया जा सके। लेकिन 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 वकील साहब, एक चीज और है कि अगर पुलिस मामले को लंबा खींचती है और मामले को यहीं पर वो खत्म कर देती है, उसके बाद भी तो रास्ते हैं लोगों के पास। हाँ, ये एक बड़ी बड़ी ही पेचीदा बात है जी कि लोगों के पास आमतौर पर रास्ता तभी खुलता है जब पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जी और उस मैटर में या तो चार्जशीट कर दे किसी अभियुक्त के ऊपर, अन्यथा सबको फाइनल फॉर्म कर दे और घटना को असत्य बता दे जी। दोनों में कुछ भी अगर पुलिस एक भी कार्य कर लेती है तो उसके बाद पीड़ित पक्ष के पास न्यायालय का दरवाजा खुलना आसान हो जाता है। न्यायालय के पास वो अपना प्रोटेस्ट आवेदन दाखिल कर सकता है और उस पर सुनवाई करके संज्ञान जा सकता है। लेकिन ऐसे मामले में पुलिस जो है कई दफे इन्वेस्टिगेशन को इतना लंबा खींचती है कि पीड़ित पक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और न्यायालय के पास वो अपनी गुहार लगा सके वैसा रास्ता मिलना मुश्किल हो जाए। बहरहाल मामला पेचीदा और आरोप गंभीर है, लेकिन इतना तो तय है कि एक शख्स की मौत हुई है। मौत कैसे हुई है यह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर निर्भर है। अब पुलिस को भी चाहिए कि समय रहते इन्वेस्टिगेशन को पूरा करे और किसी निष्कर्ष तक पहुँचे। कैमरामैन अंकित के साथ अभय पांडे, सीतयोग न्यूज।